इस बुक का नाम है डुपोज इस बुक के ऑर्थर हैं रॉबर्ट पॉइंटन साल 2019 में रिलीज हुई किताब डूपॉज बताती है कि मॉडर्न लाइफ में कभी कभी पॉज लगाने से कितने ज्यादा फायदे हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी और अचीवमेंट को लेकर इस दुनिया में फैले नित को यह किताब नकारते हुए एक नया परस्पेक्टिव पेश करती है इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कब को ब्रेक लेने की जरूरत होती है आपको बता दें कि इस किताब के लेखक रॉबर्ट पॉइंटन हैं। ये लेखक होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एसोसिएट पेलो भी हैं इन्होंने साल 2013 में हैंड डू इम्प्रोवाइज का लेखन भी किया था इन सब के अलावा ये बीच बीच में बिजी प्रोफेशनल ना को ट्रेंड भी करते रहते हैं ये किताब किसके लिए है सभी फील्ड के प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने नई चीजों के बारे में जानने में अच्छा लगता है चलिए अब शुरू करते हैं इस बुक की सम्मी को मशीन्स को ब्लेम करना बंद कर दीजिए आज का समय काफी ज्यादा तेज हो चुका है इस दौड़ते भागते समय में लोग काफी ज्यादा बिजी भी रहने लगे हैं आज के समय में बिजी रहने को लोग बैज ऑफ ऑनर की तरह पेश करते हैं इस बात को साबित करना इतना भी मुश्किल नहीं है इसके लिए आप आज के समय में छपने वाली मोटिवेशनल किताबों को पढ़ सकते हैं सभी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि समय ही पैसा है रत्ती भर भी समय को बर्बाद मत करिए खाली मत बैठिए इसका नतीजा क्या हुआ है हम अपने खाली समय को भी काम से भर देते हैं आजकल लोग 20 घंटे काम करना चाहते हैं इसलिए किसी से बात करना हो या फिर किसी को कॉल करना हो या फिर यूं ही कहीं घूमने जाना हो हमें ये सब काम वेस्ट ऑफ टाइम लगता है क्या व्यस्त रहने का कोई पॉजिटिव आउटपुट निकल रहा है इसका एक ही आउटपुट निकल रहा है वो ये है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है इसलिए अब ये समय आ गया है कि हमें कम व्यस्त रहने के फायदों के बारे में भी पता होना चाहिए इस किताब के चैप्टर्स टाइम को लेकर आपके माइंड को रिफ्रेम कर देंगे आपकी सोच समय रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेकर बेहतर होती जाएगी लेकिन कैसे उसका एक सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आपको अपने टाइम को पॉज करना होगा उस पॉज के टाइम में आपका दिमाग स्वतंत्र होकर घूम सकेगा इसलिए अभी तक आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में जो कुछ भी पता था सब कुछ भूल जाए और अपने टाइम को पॉज कर दीजिए इस समरी में आप जानेंगे कि लेजी लोग हमेशा बिजी क्यों रहते हैं स्पेनिश लोगों से हम हैप्पीनेस के बारे में क्या सीख सकते हैं और किसी भी आदत को आप पौज कैसे कर सकते हैं क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आप रूप कर अपने चारों तरफ देखे थे हाल ही में औथ स्पेनिश पहाड़ों की चढ़ाई के लिए गए हुए थे वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि उनके दोस्त चढ़ाई में उनसे काफी पीछे चल रहे थे इसके पीछे की वजह ये थी कि उनके दोस्तों का ध्यान व्यू को एंजॉय करने में ज्यादा था ऑथ पहाड़ों में अकेले ही चले जा रहे थे इसके पीछे की वजह क्या थी उस समय ऑथर का पूरा ध्यान चढ़ाई को पूरा करने में था उनका ध्यान टारगेट को अचीव करने में था जिसकी वजह से उन्होंने सुनहरी दोपहर को भी एंजॉय नहीं किया था यही होता है जब हम अचीवमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट से आगे बढ़ने लगते हैं इस माइंडसेट की वजह से हम डेली लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हैं भले ही उस समिट में ऑथर ने जल्दी टारगेट अचीव कर लिया था लेकिन उनके दोस्तों ने उस सफर के एक्सपीरियंस को ज्यादा एंजॉय किया था हैरान करने वाली बात तो यह है कि हम अपने बच्चों को भी कुछ ऐसे ही ट्रीट करने लगते हैं हम उनकी जिंदगी को भी ऐसे टास्क से भर देते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने अपने बच्चों की जिंदगी में टास्क भरते रहते हैं हमें सोचना चाहिए कि साल भर में हम कितना समय अपने परिवार के लिए पहुंच करते हैं इसी के साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि, कि कितना टाइम हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए निकालते हैं डक की बात यह है कि हम सभी चीज़ों को छोड़कर अपनी टू डू लिस्ट के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करते रहते हैं टू डू लिस्ट के बीच में आने वाली चीज़ों को हम नेगेटिव स्पेस का नाम भी देते हैं लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि इन्हीं स्पेस की वजह से हमारी लाइफ में ये फ्लेवर मौजूद हैं अगर हमें अपनी लाइफ को खुशहाल करना है तो फिर हमें इन स्पेस का भी ख्याल रखना होगा यहां एक सवाल ये भी उठता है कि हम टू डू लिस्ट को कम्प्लीट करने के लिए मजबूर क्यों होते जा रहे हैं इसके जवाब में ज्यादातर लोग इसका ठीकरा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोड़ देते हैं या फिर मशीन्स को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं हमें पता होना चाहिए कि मशीन्स को तेज से तेज काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है उन्हें इसलिए बनाया ही गया है कि वो मैन पावर से तेज काम कर सकें लेकिन इंसान खुद की तुलना मशीन से करने लगा है आज के समय में हम चाहते हैं कि हमारे लिए काम करने वाले कर्मचारी भी मशीन की ही तरह काम करें लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इसलिए औथक कहते हैं कि आज की भागती हुई लाइफ में ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें हमें समझना चाहिए कि बस दूसरे को देख भागते रहना ही ज़िंदगी नहीं है जिंदगी का असली मतलब है कि हमें अपने आसपास के माहौल का आनंद लेना चाहिए पौज एक अवसर की तरह है आप पौज को कैसे परिभाषित डिफाइन करेंगे इसे कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि ये पांच सेकंड किसी भी सवाल के बारे में सोचना हो सकता है या फिर एक घंटा अपने दोस्तों से बात करना भी हो सकता है या फिर कुछ नहीं करना भी हो सकता है सिंपल सी बात यह है कि पौज का मतलब ब्रेक है एक ऐसा ब्रेक जिसकी आपको ज़रूरत है पौज कई तरीक़ों से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है लेकिन ये एक खाली स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं है जब भी आपकी लाइफ में पौज लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि तब आपके थॉट्स रुक जाते हैं तब आप ख़ुद को समय देते हैं कि आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकें खुद के लिए समय निकालना भी पौज कहलाता है एग्जाम्पल के लिए औथक खुद का किस्सा शेयर करते हैं वो बताते हैं कि एक वीकेंड उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया था किसी खास काम से नहीं बल्कि बस ऐसे ही बातचीत करने के लिए उसकी लाइफ में पौज लगाने के लिए शुरुआत में उनके दोस्त को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये समय की बर्बादी है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसके माइंडसेट में शिफ्ट भी देखने को मिल रहा था वीकेंड खत्म होने के बाद उनके दोस्त को एहसास हुआ कि उनकी लाइफ में इस पौज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने इन अड़तालीस घंटों में बहुत सी ऐसी चीज़ों को नोटिस किया था जिन्हें वो अभी तक इग्नोर करते जा रहे थे बस इस तरह के वीकेंड पॉज ही आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाले हैं बल्कि पॉज कैसा भी हो वो आपके लिए मददगार ही साबित होगा इसलिए लाइफ के व्यस्त स्कैड्यूल से खुद के लिए समय निकालिए और खुद की लाइफ को बेहतरीन बनाए अपने गोल से समय निकालने बस को पॉज नहीं कहते हैं बल्कि पॉज आपको गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद भी करने वाले हैं लाइफ में पौज लगाने से हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है कई एविडेंस बताते हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस के लिए लाइफ में पौज लगाने की जरूरत होती है एक किताब है जिसका नाम हाउ टू गेट इट है इस किताब के ऑथर ने कंक्लूजन में लिखा है कि सक्सेसफुल लोग अपने क्रिएटिव प्रोसेस के दौरान पौज लगाते रहते हैं कई आर्टिस्ट इस पीरियड को मेंटल डाइजेशन भी कहते हैं लोग इस तरह के पौज को अलग अलग नामों से जानते हैं लेकिन इनका फायदा यही होता है कि इससे इंसान की क्रिएटिविटी में निखार आता है क्रिएटिव पॉज जितने महत्वपूर्ण क्यों हैं नए आइडियाज सिंपल और नाजुक होते हैं वो लाइफ के डेली प्रेशर से खत्म हो सकते हैं ऑथर स्टीव जॉनसन ने अपनी किताब वे गुड आइडियाज कम फ्रॉम में कहा है कि नए आइडियाज खेत में बोई जाने वाली फसल की तरह होते हैं उन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत होती है उनकी केयर आप क्रिएटिव पॉज की मदद से कर सकते हैं इटक क्रिएटिविटी की ही तरह किसी भी रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने के लिए पौज की जरूरत पड़ती है किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी रहता है कि हम सामने वाले के विचारों को समझें लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है इसमें आपकी मदद पौज कर सकता है लेकिन कैसे ऐसा देखा गया है कि दो लोगों की बातचीत के बीच में साइलेंस आ जाता है ये चुप्पी किसी भी रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है ऐसी सिचुएशन में सामने वाला अपने दिल की बात शेयर नहीं करता है ऐसा अगर आपके साथ हो तो फिर आप बीच में कुछ और बताओ बोलकर थोड़ा सा पॉज दे सकते हैं ऐसा करने से आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी इसलिए कहा गया है कि अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो बात थोड़ा करिए और पॉज ज्यादा देने की कोशिश करिए कुछ सेकंड्स के पॉज के कई फायदे हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस में समय लगता है पॉज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने में योग और ध्यान की तरह ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसका रिजल्ट भी तुरंत ही दिखने लगता है हम तुरंत इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं डेली पॉज का ये मतलब नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है ये पांच मिनट या फिर दो सेकंड का भी हो सकता है इसके फायदे भी आपको तुरंत ही दिखने लगेंगे इसलिए दौड़ भाग वाली लाइफ में थोड़ा सा समय अपने इस पॉज के लिए निकालना जरूरी हो गया है फिल्म मेकर डेविड कीटिंग शूटिंग के दौरान किसी भी सीन में एक्शन बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना पसंद करते हैं वो मानते हैं कि ये एक मैजिक की तरह है इसके इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं किसी भी जजमेंट कॉल से पहले थोड़ा सा पॉज ले लेने के कई सारे फायदे हो सकते हैं इसके फायदों को आप पैसों से तोल भी नहीं पाएंगे ऑथर की फ्रेंड लोगों की मदद करती हैं वो कहती हैं कि जब भी कोई उनके सेशन में उनसे सवाल पूछता है तो वो जवाब देने से पहले थोड़ा सा पौज लेना पसंद करती हैं ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पौज लेने से वो अपनी बात सामने वाले को बेहतर ढंग से समझा पाती हैं उनकी लाइफ में पहुंच के बहुत से फायदे हुए हैं वो इस प्रक्रिया को किसी भी मैजिक से कम नहीं समझती हैं औथ कहते हैं कि आज के समय में हम खुद को बिज़ी दिखाना पसंद करते हैं यही वजह है कि हमारी लाइफ से क्वालिटी बाहर होती जा रही है लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करें ऐसा करने के लिए हम पॉज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं इससे हमारी जिंदगी की क्वालिटी सुधर जाएगी हमारी लाइफ में कई बार ऐसा समय आ जाता है जब हमें लंबे पॉज की ज़रूरत होती है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हर दो सालों में लंबे पॉज लिया करते हैं उस पॉज के दौरान वो अपने सारे प्रोफेशनल काम को डिले कर देते हैं बिल गेट्स का लॉन्ग पॉज पूरे एक हफ्ते का होता है इस पूरे हफ्ते वो कुछ भी नहीं करते हैं इसे वो थिंक वीक कहा करते हैं उनके हिसाब से इनोवेटिव माइंडसेट के लिए थिंक वीक का होना बहुत ज़रूरी है इसलिए औथ कहते हैं कि लॉन्गर पॉज को समझदारी से डिजाइन करना चाहिए ये पॉज आपके फ्यूचर के लिए टूल की तरह होता है इस पॉज से आपको कुछ अलग सोचने में मदद मिलेगी इसलिए इसे डिजाइन करना बहुत जरूरी है डक की बात यह है कि हम कुछ ना करने को लेजीनेस मानते हैं लेकिन औथ कहते हैं कि हमेशा बिजी रहना ही लेजी होना है ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खुद के दिमाग को हमेशा व्यस्त रखते हैं तब आप चीजों की बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते हैं बिजी रहने की वजह से आप अपनी लाइफ में जरूरी बदलावों को नहीं कर पाते हैं अगर अब आप पौच के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले उसके लिए तैयारी शुरू करिए इसके लिए आप अच्छी लोकेशन की तलाश भी कर सकते हैं एक ऐसी लोकेशन जो नेचर के ज्यादा करीब हो वहां समय बिताने से आपको अंदर से खुशी मिलेगी इस पॉज के लिए आप अपने सेल फोन से भी दूरी बना सकते हैं बिल गेट्स भी थिंक वीक में सेल फोन यूज नहीं करते हैं उनका मानना है कि ऐसा करने से इंसान की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है इसलिए औथ में कहा है कि अगर आप पॉज का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी करिएगा कुछ संस्कृतियां दूसरों की तुलना में फौज को आसान बनाती हैं औथ कुछ साल सेंट्रल स्पेन के एक छोटे से गांव में रहा करते थे वहां की लाइफ शहर की अपेक्षा ज्यादा शांति भरी हुआ करती थी इसके पीछे की वजह यही थी कि वहां के लोगों को किसी भी चीज की जल्दी नहीं हुआ करती थी वहां के लोग अपनी लाइफ को टाइम को पॉज करने की परमिशन दिए हुए थे इस छोटी सी मीशन से वहां के लोगों की ज़िंदगी में एक दूसरे से बात करने के लिए काफ़ी समय भी हुआ करता था लोग एक दूसरे के सुख डक में तसल्ली से शामिल हुआ करते थे इसलिए औथा सलाह देते हैं कि अगर आप भी फौज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के माहौल को बदलने की जरूरत है मेट्रो शहर में भविष्य की इमारतें बन रही हैं देखते ही देखते कंक्रीट के जंगल तैयार किए जा रहे हैं इन सब चीज़ों से सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन इसकी कास्ट क्या है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन सब में इंसानी ज़िंदगी बिना खुशियों के खर्च हो रही हैं वहां लोग तरक्की के लिए कब अपनी जिंदगी ही जीना भूल जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है इसलिए अगर आप ये समरी सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में पौज लगाना कितना ज़रूरी है आज के समय में स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं इन सबसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं ये हमारे ही हंथों में है बस हमें बैक टू बेसिक्स की तरफ़ लौटने की कोशिश करनी चाहिए हमें अपनी लाइफ को स्लो करने की ज़रूरत है नेचर के पास बहुत कुछ है उसके पास बैठने से आपकी कई दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं इसलिए लाइफ को एक अच्छा पॉज दीजिए और नेचर के पास वापस लौटने की कोशिश करिए अगर आप सोच रहे हों कि स्लो लाइफ बोरिंग होती है तो आपको के एक्सपीरियंस को देखना चाहिए उन्होंने कई साल गांव में बिताए हैं जहां उन्हें लाइफ को एंजॉय करने का एक अलग ही नज़रिया मिला था उन्हें पता चला था कि लाइफ में दौड़ के चक्कर में उन्होंने कितना कुछ मिस कर दिया था लाइफ का मतलब बस पैसों से खेलना ही नहीं होता है लाइफ कुछ और ही चिड़िया का नाम है जिसे हम लोगों ने अभी तक पहचाना ही नहीं है जिंदगी को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी देने वाले के पास में लौटकर कुछ नया एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें इसलिए अगली बार कहीं घूमने जाएं तो उस सफर का आनंद लेने की कोशिश करिएगा वही जिंदगी है और वही लाइफ का सुख भी है मिलाकर मॉडर्न जिंदगी में लोग बिजी रहना चाहते हैं लेकिन यह एक नशे की तरह है जिसकी लत छूटना बहुत जरूरी है ब्रेक लेने से आपको पता चलेगा कि क्रिएटिविटी का असली मतलब क्या होता है अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या होता है जिंदगी का नाम बिजी रहना नहीं है क्या करें पौज की तलाश करिए अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो इसे किसी दूसरे कल्चर से उधार लेने की कोशिश करिए लेकिन किसी भी दौड़ में बिना मतलब के भागना बंद कर दीजिए पांच मिनट के पॉज से भी आपका माइंडसेट बदल सकता है लेवल अप चैनल पर आप सुन रहे थे डू पॉज बाय रॉबर्ट पॉइंटन बुक की समरी ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं हम आपकी बताई गई समरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे अगर आपका कोई सवाल सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं